हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली जो सामान था वो सब रेडी हो चुका है, ये सामान रेडी हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं सामान को गाड़ी में रखने के लिए, क्योंकि रात के ये 11:30 बज रहे हैं। सुबह हमने निकलना है, सुबह सवेरे नमाज फजर पढ़ के हम निकलेंगे, 5 बजे इंशाल्लाह निकलेंगे। तो अभी ये सामान उठाते हैं, उसको रखते हैं गाड़ी में, फिर सोते हैं, क्योंकि सुबह हमने जल्दी निकलना है। तो गाइस फाइनली वी आर रेडी, और रात को भी सामान रखा था, अभी भी सामान जो गया पूरा नहीं हो रहा, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। इब्राहिम आर यू रेडी? सुबह से उठ गया इब्राहिम, पता नहीं किस चीज़ की एक्साइटमेंट है इसको, फिर इसको पता कि हम जा रहे हैं, है ना इब्राहिम? आओ चलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस टाइम जो है 5:28 और हम रवाना हो चुके हैं। सुबह सुबह का टाइम है और हल्के हल्के से बादल भी आ चुके हैं, तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा आधा सफ़र हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि ये सफ़र जो है तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का है। हम सुबह निकले थे 5 बजे, अब बज रहे हैं 10, तो यानी 5 घंटे में हमारा आधा सफ़र हो चुका है। अब मज़ीद हमें लगेंगे शायद 5-6 घंटे, और यहाँ पेट्रोल पंप पर भी थोड़ा सा रश है, क्योंकि हम खाबूरा से निकले, हमने टैंकी फुल करवा ली, थोड़ा सा पेट्रोल रह गया, तो हमने सोचा यहाँ से पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि पीछे पूरा रास्ता 200 से 300 किलोमीटर कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, तो यहाँ पर ये एक मिला, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रश है। यानी जैसे हम पाकिस्तान में मरी जाते हैं, तो यहाँ के लोग और दुबई के लोग जो हैं वो सलाला जाते हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने और मौसम इंजॉय करने, तो हमारा भी प्लान उधर का ही है। तो शाम तक हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह, तो मज़ीद अपडेट आपको रास्ते में देते जाएंगे। फिर खबूरा से लेके निजवा तक आपको पहाड़ मिलते हैं, और उसके बाद जो है वो आगे से सहरा शुरू हो जाता है। अभी तो हमारा वन वे रोड चल रहा है, और मज़ीद आई थिंक जो आगे 400 से 500 किलोमीटर का सफ़र है वो होगा 2-way road, ट्रैफिक आ भी रही होगी जा भी रही होगी, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगी। अभी तो कैमराज भी यहाँ पर कोई नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी स्पीड पे जाएं, लेकिन मोस्टली लोग मतलब उसी स्पीड पे जा रहे हैं, 120 30 135 40 तक जा रहे हैं, और बाहर फुल तपती हुई गर्मी है, लोग जो जितने भी यहाँ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं ना, सारे सलाला जा रहे हैं, और हम भी सलाला जा रहे हैं। और वहाँ का मौसम जो है वो सुना है कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ग्रीन पहाड़ होते हैं यहाँ पर, तो सारे चट्टेल मैदान हैं, पहाड़ हैं, इस तरह के पहाड़ हैं कि कोई उसके ऊपर ग्रीनरी नहीं है, तो सलाला है वो समझ लें यहाँ का मरी है, जैसे पाकिस्तान का मरी है वैसे सलाला जो है वो आधा ओमान में आता है आधा दुबई में आता है, तो दुबई के लोग भी सलाला जाते हैं। तो गाइस फ़िलहाल सफ़र हमारा जारी है, और इब्राहिम जनाब उठ चुके हैं, मिठू आप उठ चुके हो? सुबह से ये सो रहा था और अभी अभी उठा है और कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे पूरी गाड़ी में छोड़ दो, तक मैं इधर उधर भागता रहूं, है ना इब्राहिम, ये चाहते हो आप? चलो हम यहाँ थोड़ी देर रुके थे 2 मिनट के लिए, तो फिर हम अभी निकलने लगे हैं। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू सलाला। वो देखें सामने ऊँट भी खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा एक ऊँट है, नीचे और भी खड़े हुए हैं। तो गाइस अभी जो है सलाला हम एंटर हुए हैं, समझ लें कि अभी भी 40-30 किलोमीटर दूर है सलाला, और ये ठंडी हवाएं हैं या बादल हैं हल्के हल्के शुरू हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं बाहर क्या मौसम है, ये धुंध है शायद यार, एकदम मौसम में चेंज आया है, फुल ग्रीन पहाड़ आ गए हैं और ये धुंध आ गई है। ये बस ये एक महीना है यहाँ पे, एक महीने के बाद जो है ये मौसम फिर वैसे गर्म हो जाएगा, और ये पहाड़ जो है ये ग्रीनरी सब ख़त्म हो जाएगी, पतीले पहाड़ हैं वैसे हो जाएंगे। यार बहुत ज़्यादा धुंध हो गई यहाँ पे, दिखना भी बहुत कम हो गया, आपको शायद कैमरे में फ्रंट वाली गाड़ी ना दिख रही हो, लेकिन वो बहुत ही करीब है, गाड़ी इतनी दूर नहीं है। यार अभी हम उतरने लगे हैं पहाड़ से, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेन सलाला सिटी है, ये हम एंटर हो चुके हैं, और ये एक सामने मस्जिद है, और ये सलाला का मेन राउंड अबाउट है, ये हमारा होटल है जहाँ पे हमने चेक इन करना है, यहाँ पे हमारा स्टे 2 नाइट्स का होगा, हमारा टोटल ट्रिप जो है वो 5 डेज़ का है, 2 नाइट्स हमारा यहाँ स्टे होगा, और 2 नाइट्स के लिए हमने एक और होटल बुक किया हुआ है,
क्योंकि जब हमने होटल्स चेक किए तो ऑलमोस्ट 60-70% होटल्स सब बुक थे, तो इस वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में बुकिंग करनी पड़ी। इब्राहिम इज रेडी। तो इब्राहिम ने आके नहा लिया है और चेंज कर लिया है, अभी थोड़ी देर ये सोएगा, रेस्ट करेगा, है ना मिठू? अब सोगे, रेस्ट करोगे, थोड़ी देर के सोना है आपने, नहीं सोना आपने, अभी रेस्ट नहीं करना है मिठू, अब रेस्ट नहीं करना, जाने चलने भाई चलें। हम तकरीबन यहाँ पहुँचे थे 4 बजे, क्योंकि ये 10 घंटे का सफ़र है, तो सफ़र अच्छा गुजरा। यहाँ पर आकर तो बहुत ही अच्छा गुजरा, आपने अभी देखा है पहाड़ के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का मौसम था, ठंड नहीं है, मौसम अच्छा है, बेहतरीन है। जैसे पाकिस्तान में हम जाते हैं नारायण कागान में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो यहाँ मौसम नॉर्मल है, कोई ख़ास ठंड नहीं है। तो अभी खाना खाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर हमने रात को जाना है मॉल में। इस्तेमाल नहीं किया हमें, सुकून से सोते रहे, फिर ऐसे थोड़ी देर उठाए, फिर सो गए, फिर जब हमको नींद आ गई है। तो गाइस ये फ्रंट पर है चाइनीज़ विलेज और मेरी बैक साइड पर है सिराला गार्डन मॉल, तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं मज़ीद। वैसे देखा जाए तो सब शॉपिंग सेंटर ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, वही फूड कोर्ट होता है, वही KFC मैकडोनल्ड हार्डीज़ वगैरह होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है वो स्ट्रक्चर और डिज़ाइन का होता है। अब जस्ट लाइक अब इस मॉल को देख लें, और ये सामने जो है फाउंटेन चल रहा है और लोग इसके इर्द गिर्द आकर बैठते हैं, और ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सारे होटल्स हैं, और नीचे जो हैं वो कॉफ़ी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लोग वहाँ से आकर खाना खाते हैं और कॉफ़ी लेकर आके यहाँ पर बैठ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस पानी के नीचे नहा रहे हैं और फुल गीले हो रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो गाइस पानी अभी हम खाने लगे हैं हार्डीज, और इसके बाद निकल लेंगे एक वापस होटल को, क्योंकि 9 बज चुके हैं और पहुँचना है 10 बजे से पहले। बस करो, कितनी बोतल पीसो, सारी पी गए वे, चलो बस करो, थोड़ी पीगी थोड़ी जी बस करो। तो गाइस फाइनली 10 बज चुके हैं, लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो आज का दिन पहला दिन ख़त्म हुआ, क्योंकि हम ज़रा थके हुए भी थे, सारा दिन सफ़र किया है, और अभी हमने सोचा थोड़ा हमारे पास 2-3 घंटे हैं, थोड़ा मॉल घूम लें, हमने मॉल घूम लिया। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह कल से हमारा असल टूर जो है वो शुरू होगा, ये आज तक का लेकिन सफ़र का था, तो कल से इंशाल्लाह जो होगा आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।